हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम योर एसएसटी टीचर। एंड डियर स्टूडेंट, टुडे वी स्टडी अवर एसएसटी बुक, सो लेट्स सी व्हाट इज अवर टुडेज वर्क इन एसएसटी। डियर स्टूडेंट, अब तक हमारा फिफ्थ चैप्टर दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली जो कि हमारी क्या थी, कैपिटल थी किसकी, हमारा जो कंट्री है इंडिया, इसकी क्या है, कैपिटल है यानी राजधानी क्या है, दिल्ली। दिल्ली के बारे में हमने पढ़ा था। सबसे पहले हम दिल्ली की लोकेशन पढ़ी थी। दिल्ली की लोकेशन हमने कहाँ पढ़ी, दिल्ली की लोकेशन में हमने पढ़ा था कि ये हमारी जो रिवर है यमुना, उसके किनारे पर अवस्थित है और ये एक मेट्रोपोलिटन सिटी है, यानी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पॉपुलेशन है। फिर हमने पढ़ा था इसका हिस्ट्री। हिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा था, हिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि दिल्ली पुराने ज़माने में भी, जैसे कि मुगल जो थे, मुगल सम्राट शाहजहाँ, उन्होंने भी दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया था। एज यूजुअल जो अभी हमारी कैपिटल दिल्ली है, ठीक वैसे ही मुगल जो मुगल सम्राट जो थे शाहजहाँ, उन्होंने भी दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया था। फिर जब ब्रिटिश रूल यहाँ हुआ, तो ब्रिटिश रूल में भी ब्रिटिशियंस ने दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया था। और दिल्ली का इतिहास उतना ही पुराना है जितना महाभारत, यानी महाभारत के समय से दिल्ली जाना जाता है। यानी दिल्ली को पहले इंद्रप्रस्थ के नाम से बोला जाता था, आज भी दिल्ली को इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। रीज़न ये था कि पांडव यहाँ रहते थे। सेकेंड हमने पढ़ा था क्लाइमेट। दिल्ली का क्लाइमेट ना तो ज़्यादा गर्मी वाला है ना ज़्यादा ठंड वाला। गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है और ठंडियों में काफ़ी ज़्यादा ठंड होता है। फिर टूरिस्ट अट्रैक्शन में हमने पढ़े थे रेड फोर्ट, लाल किला, हुमायूं का मकबरा, जंतर मंतर, ये सब हमने टूरिस्ट अट्रैक्शन पढ़े थे। हमने चिल्ड्रन अट्रैक्शन पढ़ा था जिसमें नेशनल जियोलॉजिकल पार्क, चिल्ड्रंस पार्क, नेहरू प्लैनेटोरियम, नेशनल रेल म्यूजियम, ये सब हमने पढ़े थे। नेक्स्ट हमने पढ़ा था फेस्टिवल। दिल्ली में जो मोस्टली फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, जिसे दिल्ली में सेलिब्रेट किए जाने, ईद उल फितर, दिवाली, होली, रक्षाबंधन, ये कुछ ऐसे फेस्टिवल थे जो दिल्ली में काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट था हमारा लोकल ट्रांसपोर्ट। लोकल ट्रांसपोर्ट क्या होता है, लोकल ट्रांसपोर्ट वहाँ के जो लोगों के लिए आवागमन का साधन जो होता है, उसको लोकल ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जिसमें हमने मेट्रो पढ़ा था, बसेस, उबर, कैब्स, ये सब हमने पढ़ी थी। नेक्स्ट लास्ट हमारा था स्पेशल फीचर्स। स्पेशल फीचर्स में क्या थे हमारे स्पेशल फीचर्स, वो फीचर्स थे जो दिल्ली को बाकी स्टेट से अलग बनाते हैं। इसमें हमने एक मेन जो चीज़ पढ़ी थी वो क्या थी, दिल्ली को मिनी इंडिया भी कहा जाता है। रीज़न ये था क्योंकि यहाँ अलग अलग प्रदेशों से आने वाले लोग एक साथ रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, लेकिन फिर भी एक साथ एक इंडिया को शो करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। इसका हमने कुछ वर्क भी किया था, तो देखिए हमने क्या वर्क किया था और क्या वर्क आज हमें करना है। तो डियर स्टूडेंट, हमने हमारा फर्स्ट जो था ए एक्सरसाइज थी वो हमने कंप्लीट कर ली, टिक दी करेक्ट हमने कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बी सेक्शन, सी सेक्शन एंड डी सेक्शन। तो सबसे पहले हम करेंगे बी सेक्शन। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स, हमें करेक्ट वर्ड्स के साथ में हमारे सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट है दिल्ली हैज़ एन डैश ऑफ क्लाइमेट, टाइप ऑफ क्लाइमेट, दिल्ली का क्लाइमेट जो है किस तरीके का है, तो दिल्ली का क्लाइमेट जो है वो एक्सट्रीम टाइप का, तो यहाँ लिखेंगे एक्सट्रीम। क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ लिखेंगे एक्सट्रीम, यानी कि सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा ठंड और गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा गर्मी। नेक्स्ट है दिल्ली इज सिचुएटेड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर, दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, यमुना। तो हम लिखेंगे यमुना, यमुना नदी के किनारे पर दिल्ली शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट है द ब्रिटिश शिफ्टेड देयर कैपिटल फ्रॉम कैलकटा टू दिल्ली इन, ब्रिटिशियंस दे, उन्होंने कैलकटा से दिल्ली अपनी जो कैपिटल थी वो कब शिफ्ट की थी, तो ये उन्होंने शिफ्ट की थी 1830 में। आगे हैं द लोकल ट्रांसपोर्टेशन इज डैश डैश ऑफ डेलिटीज, दिल्ली के लोगों का जो लोकल ट्रांसपोर्ट से क्या रिलेशन है, तो दिल्ली के लोगों का लोकल ट्रांसपोर्ट क्या है, उनकी लाइफ लाइन होती है, यानी कि जीवन दायनी होती है, लाइफ लाइन होती है, वो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच स्टेटमेंट, हर स्टेटमेंट के लिए हमें ट्रू फॉल्स लिखना, कब, जब हमारा स्टेटमेंट राइट होगा तब हमें ट्रू लिखना है, जब गलत होगा तो हमें फॉल्स लिखना है। तो इसमें फर्स्ट देखिए, दी ताजमहल इज सिचुएटेड अलोंग दी बैंक ऑफ यमुना इन दिल्ली, ताजमहल जो है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, लेकिन कहाँ, दिल्ली में। तो बच्चों अगर यहाँ तक होता दी ताजमहल इज सिचुएटेड अलोंग दी बैंक ऑफ रिवर, तब हमारा राइट आंसर होता है, लेकिन ऐड क्या किया, इन दिल्ली, तो हम अच्छे से जानते हैं दिल्ली में ताजमहल नहीं है, ताजमहल कहाँ है, आगरा में, लेकिन आगरा में कहाँ है, बैंक ऑफ यमुना, तो ये हमारा रॉन्ग आंसर है, तो यहाँ हम लिखेंगे फॉल्स। आगे हैं दिल्ली हैज़ ए मेट्रोपॉलिटन पॉपुलेशन ऑफ
16.3 मिलियन। दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन शहर है और यहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा, इतनी ज़्यादा 16.3 मिलियन। ये क्या है हमारा ट्रू आंसर, तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रू। नेक्स्ट है, दिल्ली इज ए कॉस्मोपॉलिटन सिटी। दिल्ली एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। कॉस्मोपॉलिटन का मैंने मीन आपको बताया था, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है जहाँ सभी धर्मों के लोग एक साथ भाईचारे के साथ में रहते हैं, तो ये हमारा ट्रू आंसर होगा, तो यहाँ भी हम लिखेंगे ट्रू। नेक्स्ट है, लोकल ट्रेन्स आर नॉट ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन दिल्ली। दिल्ली में लोगों के द्वारा लोकल ट्रांसपोर्ट जैसे कि ट्रेन का इस्तेमाल एज ए परिवहन के रूप में नहीं किया जाता, या लोकल ट्रेन्स जो होती है वहाँ के लोगों का ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं करती है, तो ये हमारा फॉल्स है, तो यहाँ लिखेंगे हम फॉल्स। ये होगा हमारे ट्रू फॉल्स। अब हम करेंगे हमारा डी सेक्शन। देखिए डी हमारा रहेगा आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें क्वेश्चंस को आंसर करना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब हिस्ट्री ऑफ दिल्ली इन ब्रीफ, शॉर्ट में हमें दिल्ली की हिस्ट्री बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें करना है, नेम एनी टू हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट इन दिल्ली। हमें दो हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट का नाम लिखने कहाँ, दिल्ली के। आगे है, एक्सप्लेन स्पेशल फीचर्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली के स्पेशल फीचर्स बताने हैं। अगला है, Why is Delhi called mini India? दिल्ली को मिनी इंडिया क्यों कहा जाता है। इन सबको हम कहाँ करेंगे, इनको करेंगे एक नोटबुक में। तो देखिए हमने कर रखे हैं, इनको रिपीट करते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन मैंने रिपीट कर वापस करेंगी, डिस्क्राइब हिस्ट्री ऑफ दिल्ली इन ब्रीफ, शॉर्ट में हमें दिल्ली की हिस्ट्री बतानी है। तो आंसर देखिए, दिल्ली वॉज नोन एज इंद्रप्रस्थ वेयर द पांडवास यूज्ड टू लिव। दिल्ली को इंद्रप्रस्थ के रूप में भी जाना जाता है, क्यों, क्योंकि दिल्ली में पांडवों ने आकर रहे थे। दी मुगल एम्पेरियर शाहजहां मेड दिल्ली इज कैपिटल, शाहजहां ने दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया था। लैंग्वेजेस स्पोकन इन दिल्ली आर हिंदी, पंजाबी, उर्दू एंड इंग्लिश। दिल्ली में जो भाषाएं बोली जाती है वो है हिंदी, पंजाबी, उर्दू और इंग्लिश। इन सब का मिक्सचर कहाँ पाया जाता है, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी टू हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट इन दिल्ली। दिल्ली के जो हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है उनमें से हमें दो हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट लिखने हैं। तो फर्स्ट हमारा कुतुब मीनार, नेक्स्ट पुराना किला। तो ये दो वैसे तो एक्चुअल में हमने खूब सारे पढ़े थे, लेकिन हमें एज ए क्वेश्चन सिर्फ दो पूछे तो हम जस्ट टू ही हम लिखेंगे। आगे है, एक्सप्लेन स्पेशल फीचर्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली के स्पेशल फीचर्स हमें लिखने हैं। आंसर देखिए, दी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जिसे शॉर्ट में इग्नू कहा जाता है, यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी खुला महाविद्यालय। नेक्स्ट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT जिसे बोलते हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एम्स, ये भी कहाँ है, ये भी दिल्ली में है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जिसे हम एम्स बोलते हैं, ये कहाँ है, दिल्ली में। आगे हैं, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। तो ये क्या थे, ये थे हमारे स्पेशल फीचर्स कहाँ के, दिल्ली के। लास्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाई इज दिल्ली कॉल्ड मिनी इंडिया, दिल्ली को मिनी इंडिया क्यों कहा जाता। आंसर देखिए, वन कैन मीट पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, दे लिव एंड वर्क हियर, दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, दस वी कैन कॉल दिल्ली ए मिनी इंडिया। दिल्ली को एक मिनी इंडिया, छोटा इंडिया का इसलिए कहा जाता है, यहाँ अलग अलग जगह से लोग आते हैं, एक साथ रहते हैं, अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, एक साथ काम करते हैं, तो एक प्रकार से हमें छोटा सा जो है इंडिया का दर्शन करा देता है। जैसे अपने इंडिया में खूब सारे स्टेट हैं, हर स्टेट के अलग अलग लैंग्वेज है, हर स्टेट के लोगों के द्वारा अलग भाषाएं बोली जाती है, अलग प्रकार का रहन सहन होता है, लेकिन दिल्ली के अंदर सारे लोग एक साथ पाए जाते हैं इस प्रकार के अलग अलग स्टेट से आने वाले, इस कारण दिल्ली को एक मिनी इंडिया कहा जाता है। तो बच्चों ये आज आपका यहाँ वर्क कंप्लीट हो चुका है, ये हमारा चैप्टर हमने विथ वर्क कंप्लीट कर लिया। आज आपका होमवर्क रहेगा डी सेक्शन, देखिए एक बार वापस से ध्यान से देखिए, आपको डी सेक्शन करना है, इसमें क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ करना है, और आपको करना है आगे, और आपको करना है बी सेक्शन, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स। करेक्ट वर्ड्स हमें करने हैं किसके, फिल इन द ब्लैंक्स के। आगे हैं, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच स्टेटमेंट। तो ये भी आज आपका होमवर्क रहेगा, तो ये आपका होमवर्क बी सी और डी सेक्शन रहेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर कहीं भी फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। कमेंट में आपको अपना नाम लिखना है, क्लास लिखनी है, और अपनी जो प्रॉब्लम है वो लिखनी है, और मेक श्योर आपका सॉल्यूशन किया जाएगा। आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। अगर कन्फ्यूजन है तो बार बार मैं बोल रही हूँ, वीडियो को आप रिपीट करके
कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं, फिर आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।